जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SSC CHSL एडमिट कार्ड 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है। और ये एडमिट कार्ड आपका होने वाला है लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का। लेफ्ट ओवर से मतलब है वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्रैल के अंदर जब एग्ज़ाम हुए थे वो रह गए थे, क्योंकि COVID-19 का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और ऐसे में SSC ने आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था। अब जाकर के आपका उन कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम होने वाला है जो कि एग्जाम देने से रह गए थे। आप यहां पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है यानी कि किस दिन आपका एग्जाम है वो आप देख लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि CHSL 2020 का जो फॉर्म निकला था उनमें जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट है जो रह गए थे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम अब 4 अगस्त 2021 से लेकर के 12 अगस्त 2021 तक होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। यहाँ से आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है, फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। आपको टुडे बेस्ट जॉब में SSC CHSL एडमिट कार्ड 2021 देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से ये पोस्ट ओपन कर लेनी है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो आप सर्चिंग में SSC CHSL सर्च करके इस पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी कि ये कब आई थी, कब से लेकर के कब तक आपने फॉर्म भरे, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी जा रही है। साथ ही कब आपका एग्जाम होगा वो भी आप डेट यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अभी यहां पर दोस्तों 3 रीजन का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है, बाकी का अभी आना बाकी है। कौन कौन से वो रीजन है वो आप देख लीजिए। अभी यहां पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं यह आपकी SSC ER यानी कि ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट। तो ईस्टर्न रीजन पर आप देख सकते हो 22 जुलाई 2021 का अपडेट है। आपको बोला है कि नो योर स्टेटस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि इसका स्टेटस आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपने एडमिट कार्ड का स्टेटस एंड देन अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड आप 72 घंटे पहले कर पाते हो, स्टेटस आप पहले ही चेक कर लेते हो जब वो लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कैसे अपने एडमिट कार्ड का स्टेटस एंड अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर या तो अपना रजिस्ट्रेशन ID डालना है या फिर रोल नंबर। तो रोल नंबर अभी आपको मिला नहीं है क्योंकि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया ही नहीं, तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन ID डालनी है। नीचे है और करके आपका कैंडिडेट नेम, यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपनी वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय इस्तेमाल की थी। और फिर यहां पर जो सम वो बोला है कि 4+6 कुछ भी आ सकता है उसका आंसर आपको देना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने आपके एडमिट कार्ड का स्टेटस आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। और फिर जो भी आपकी एग्जाम डेट यहां पर दी गई होगी नेक्स्ट पेज पर उसके 72 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और ऐसा आपको यहां पर बोला गया है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में जो लास्ट आपके अप्रैल के अंदर ये एडमिट कार्ड आए थे वहां से वीडियो का जो पार्ट है कुछ वो शो करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आगे का प्रोसेस आपको फॉलो करना है और कैसे आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। बट उसके पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करके जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। जी हाँ, मेरे द्वारा करा सकते हैं। ये कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान के ऊपर आना है, चाहे आप गूगल में सर्च करके यहां से आ जाइए डायरेक्टली। और इस पर आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नेम लिखना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किया था। यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी है जो कि सही हो और यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। मैसेज में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपका यहाँ पर नेम है वो देना है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी है, आपका नेम मांगा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी है। तो ये तीनों जानकारी आपको यहां पर मुझे मैसेज कर देनी है। मैसेज करने के बाद यहां पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके PDF के रूप में या तो ईमेल आईडी या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये तो हुआ आपका वो प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस से जो मैं आपको बता रहा हूं अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तब आप मुझे डिटेल भेज सकते हैं, पहले आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको यहां पर एक रीजन का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना बताया। अभी
अभी जो सेकंड रीजन जिसका एडमिट कार्ड आया है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपकी वेबसाइट है ये है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आता हूँ, आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ये वेबसाइट है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसके होम पेज पर आ जाओगे। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते, आप देख लीजिए आप होम पेज पर हो और आपको बोला है कि स्टेटस फॉर कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन क्लिक हियर, यानी कि इसका स्टेटस भी जारी हो चुका है और आप अपने एडमिट कार्ड को या अपने स्टेटस को यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके जो कि यहाँ पर भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर डेट ऑफ बर्थ पहला ऑप्शन ये है। इसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके अपने एडमिट कार्ड के स्टेटस और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करके यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जान लीजिए और फिर उसके बाद आपको ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जो कि एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद यहां पर है आपका नॉर्दर्न रीजन का भी यहां पर स्टेटस आ चुका है जो कि आप देख लीजिए 24 जुलाई 2021 को आया था। और यहां पर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से करना चाहते हैं अपना स्टेटस चेक एंड अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड, तो आपको पहला वाला जो ये एक ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है ये यूज करना है। सेकंड के माध्यम से करना चाहते हो, सेकंड में आपको रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोल नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार कम से कम अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक कर पाए। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहां पर अपना नेम जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किया था वो भरना है, फादर नेम भरना है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तब भी आप अपने फॉर्म का जो स्टेटस है और जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये भी जानकारी आपको यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आइडिया एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का वो मैं आपको ओल्ड वीडियो से देने वाला हूँ जो कि अप्रैल के अंदर बनाई थी। तो ये वही वीडियो है, बेसिकली जब आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो फिलअप करके चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एग्जाम डेट, शिफ्ट, एग्जाम टाइम, सिटी ऑफ एग्जाम, ये सब जानकारी जानने को मिलेगी। तो आपको सब जानकारी चेक करनी है, नीचे की तरफ आपको आपका स्टेटस देखने को मिलेगा कि फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ और थोड़ा देखने को मिलेगा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे और बोला है कि क्लिक हियर टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड विद हिंदी इंस्ट्रक्शंस या फिर इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस। तो आपको इसके ऊपर टिक करके जिस भी इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जो कि उसका PDF होगा जहां पर आपको डिटेल में सभी जानकारी दी गई होगी कि किस डेट में आपका एग्जाम है, किस टाइमिंग में है, नीचे आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न के सब्जेक्ट है वो भी आपको दिए गए होंगे, साथ ही आपको वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे जो कि आपको एग्जाम के दिन फॉलो करने हैं। यहां पर आपको फेस मास्क लेकर के जाना है, हैंड सैनिटाइजर जो कि छोटी बोतल कम से कम 50 ml की हो और पारदर्शी हो यानी कि उसमें आर पार दिखता हो, साथ ही प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया COVID-19 यानी कि जो आपको डिक्लेरेशन है अगर आपको इस बार भी डिक्लेरेशन दिया जा रहा है तो ये आपको फिलअप करके लेकर के जाना है जहां पर आपको अपना नेम, अपना रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम वेन्यू नेम यानी कि कहां पर एग्जाम हो रहा है और अपने सिग्नेचर करने होंगे, ये आपको उसी दिन लेकर के जाना होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम एडमिट कार्ड के अंदर दिए गए हैं हिंदी के अंदर पहले आपको वो अच्छे से रीड करने हैं और रीड करके उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम के दिन जाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी आपके SSC CHSL लेफ्ट ओवर एडमिट कार्ड 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको यहां पर सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। और अगर आप मेरे द्वारा एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते हैं तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया डिटेल सेंड करने का वो आप यहां पर मुझे इस तरह से भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेंड कर सकूं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।